हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग बात करेंगे एड कॉलम की विथ कंस्ट्रेंट्स, यानी कि जब विथ कंस्ट्रेंट्स आप किसी कॉलम को ऐड करते हैं अपने टेबल में तो कैसे ऐड कर सकते हैं उसको। सिंटैक्स है अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम, कॉलम नेम, डेटा टाइप, साइज और कंस्टेंट नेम। कंस्टेंट नेम मीन्स नॉट नल, प्राइमरी की, फॉरेन की, जिसके बारे में, फॉरेन की के बारे में मैंने आपको अभी बताया नहीं है, बट फॉरेन की भी है, यूनिक की भी है, ठीक है। ये सारी कीज़ जो है कंस्टेंट नेम में आप लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर आप यहाँ भी लिख सकते हैं एड कंस्टेंट नेम और कॉलम का नाम जिसमें आप कंस्टेंट इंक्लूड करना चाहते हैं। क्लियर है? इसमें कुछ कीज़ ऐसे हैं जिनमें आपको खास ध्यान रखना पड़ता है। क्या ध्यान रखना पड़ता है अभी मैं कुछ देर में आपको बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है इन रियल कोड्स। अल्टर टेबल, माई टेब मेरे टेबल का नाम है, एड कॉलम रोल नाम का, मैं कॉलम एक एड करना चाहता हूँ, इंट 10 इसका डेटा टाइप और साइज है, नॉट नॉल यहाँ कंस्टेंट नेम मैंने लिखा हुआ है, या तो आप यहाँ लिख सकते हैं कंस्टेंट नेम या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं एड प्राइमरी की रोल और सेमी कॉलम। यहाँ आपको कॉमा देना पड़ेगा बिकॉज ये एक नया लाइन है, इंड नहीं है अभी, सेमी कॉलम देते हैं तो इंड हो जाता है। ओके, ये तो क्लियर है होगा कि सेमी कॉलम और कॉमा का क्या मतलब होता है। ओके, सो आप चाहें तो नॉट नल स्पेस प्राइमरी की और सेमी कॉलन लेकर एक ही लाइन में दोनों को लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, नाउ इसको मैं आपको एग्जांपल में दिखाता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम होती है और उसको कैसे दूर किया जा सकता है, ठीक है। ओके, नाउ मेरे पास ये एक टेबल है, आइटम्स, टेबल का नाम है आइटम्स, जिसमें एक ही कॉलम है नेम नाम का, ठीक है। नेम नाम का मैंने एक कॉलम बनाया, जैसे मोबाइल है, रिकॉर्ड, लैपटॉप, टीवी, पीसी और कैम। इसमें हम लोग एक नया कॉलम ऐड करेंगे विथ कंस्टेंट्स। जब हम लोग विथ कंस्टेंट्स कॉलम को ऐड करते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है की या फिर कंस्टेंट नेम की, ठीक है। तो कंस्टेंट नेम मैं आपको टाइप भी करता हूँ और साथ में समझाता हूँ, ठीक है, ज़्यादा आसान रहेगा। ओके, सो अल्टर टेबल करते हैं हम लोग आइटम्स को। ओके, एक कॉलम में ऐड करने वाला हूँ, कॉलम, इसमें मैं आइटम नंबर ऐड करूँगा, ठीक है। अभी पोजीशन के बारे में हम लोग ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ हम लोग ऐड करना सीखेंगे, ठीक है। पोजीशन के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो मैं आइटम नंबर का एक कॉलम ऐड करने वाला हूँ जो कि इंट डेटा टाइप का होगा, जिसका साइज दे देते हैं 5, ठीक है। ये ऑप्शनल, आप साइज नहीं भी दे सकते हैं, ये बाई डिफॉल्ट 11 साइज आई थिंक इसका होता है, इंटीजर का 11 साइज ले लेगा। ओके, नाउ इसको हम लोग नॉट नल रखते हैं। ओके, यहाँ और यही स्पेस देकर हम लोग प्राइमरी की भी लिख सकते हैं बिकॉज हमें ये प्राइमरी की बनाना, बट हम लोग इसको नीचे लिखते हैं, कॉमा देकर नीचे लिखते हैं, ठीक है। एड प्राइमरी की और यहाँ हम लोग लिखेंगे आइटम नंबर देन सेमी कॉलम। ओके, नाउ मैं इंटरप्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ आपको एक एरर मिल रहा है, लिखा हुआ है डुप्लीकेट एंट्री 04 की प्राइमरी, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि प्राइमरी में कुछ प्रॉब्लम है, सो हम लोग प्राइमरी को भी हटा देते हैं, अभी हम लोग नल सिप करते हैं, नॉट नल करते हैं, ठीक है। सो फिर से हम लोग इसको करते हैं अल्टर, नाउ यहीं तक रखते हैं, प्राइमरी की नहीं करते। या फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप यहाँ भी अगर इसको प्राइमरी की अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ नीचे कर देने की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, हम लोग यहाँ भी अगर करके देख लेते हैं, यहाँ से तो कहीं हमारा ठीक हो जाए तो फिर अच्छी बात है, देन फिर भी हमें वही सेम एरर मिल रहा है, तो प्रॉब्लम आखिर है कहाँ, देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है। अभी हम लोग प्राइमरी की को हटा देते हैं, ठीक है, हम लोग सिर्फ इसको नॉट नल रखते हैं। सो एट कॉलम आइटम नंबर इंट 5 नॉट नल देन एंटरप्रेस। ओके, मैं फीडबैक मिल गया, ओके, यानी कि ये कॉलम इंसर्ट हो गया, यानी कि प्रॉब्लम कहाँ था, प्राइमरी की में ही था। अब क्या प्रॉब्लम था और हमें क्या मिला है इससे वो देख लेते हैं। पहले हम लोग टेबल देख लेते हैं, ठीक है, फ्रॉम आइटम्स। देखिए यहाँ एक नया कॉलम ऐड हुआ है जिसका रिकॉर्ड नल नहीं है बल्कि 0000 है, बिकॉज प्राइमरी की का प्रॉपर्टी ये है कि आप इसको नल नहीं बना सकते, इसको नॉट नल ही आपको बनाना है, ठीक है। और नॉट नल जब आप बनाते हैं तो ये एक वैल्यू ले रहा है 0000, और प्राइमरी की का प्रॉपर्टी ये भी है कि डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होता है प्राइमरी की में, यानी कि अगर आप आइटम नंबर को प्राइमरी की बना रहे हैं तो यहाँ आप डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लिख सकते, इसमें सब में आपको एक यूनिक वैल्यू लिखना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आपको प्राइमरी की का यहाँ एरर मिल रहा है।
तो इसको दूर करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, आपको प्रॉब्लम समझ में आएगी कि प्रॉब्लम क्या हो रहा था प्राइमरी की लिखने पर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हम लोग अल्टर टेबल करते हैं आइटम्स देन कॉलम्स हम लोग एड करते हैं, तो हम लोग को ये ऑटो इंक्रीमेंट यहाँ यूज़ करना पड़ेगा, ऑटो इंक्रीमेंट। ओके, ऑटो इंक्रीमेंट जैसे हम लोग यूज़ करते हैं तो ये अब यूनिक नंबर हर एक टपल में आएगा, जिससे प्राइमरी की बनाने का जो रूल है कि नॉट नल और यूनिक वैल्यू होना चाहिए, वो सारे प्रॉपर्टीज या फिर रूल्स फुलफिल हो जाएंगे और हमारा जो कॉलम है वह एड हो जाएगा। तो उससे पहले मैं इस कॉलम नेम को चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज एक ही कॉलम के दो नाम्स दो कॉलम्स नहीं, एक ही नाम से दो कॉलम्स आप नहीं बना सकते, तो मैंने इसका नाम रखा आइटम एन, ठीक है। ऑटो इंक्रीमेंट देन हमें एड प्राइमरी की ब्रैकेट में आइटम एन करता हूँ और सेमी कॉलम, जैसे इंटरप्रेस करते हैं आपका ये ओके फीडबैक मिलता है। और इसको अगर आप देखेंगे अब सेलेक्ट ऑल फ्रॉम आइटम्स, तो आपको दिखाई देगा कि प्रॉब्लम इसका सॉल्व हो जाएगा और ये ऑटो इंक्रीमेंट हुआ है, तो अब ये आपका प्राइमरी की है, ये आपका प्राइमरी की नहीं है, बस ये नॉट नल होगा लेकिन ये प्राइमरी की नहीं है, बिकॉज प्राइमरी की का जो प्रॉपर्टीज है उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा तभी आप प्राइमरी की बना सकते हैं किसी भी कॉलम को, अदरवाइज नहीं। ओके, सो ये प्रॉब्लम्स होती हैं जब आप प्राइमरी की बनाते हैं या फिर जब आप यूनिक की बनाते हैं, तब भी यूनिक की क्या करता है, यूनिक की नल वैल्यू को होल्ड कर सकता है बट डुप्लीकेट वैल्यू को होल्ड नहीं करता, यानी कि यूनिक की में भी यूनिक रिकॉर्ड्स होने चाहिए, एक ऐसा रिकॉर्ड होना चाहिए जिससे कि इस पूरे टपल को आप आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। सो यूनिक की और जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप उसका वीडियो देख सकते हैं जो सेपरेटली पहले ही दिया जा चुका है। ओके, नाउ बस इतना ही, आई थिंक कि हम लोग सीख चुके हैं कि किस तरीके से हम लोग विथ कंस्टेंट कॉलम्स को ऐड करते हैं, स्पेशली प्राइमरी की के थ्रू। अगर आपको जनरली ऐसे ऐड करना है तो फिर तो हम लोग को जानते हैं कि विदाउट कंस्टेंट कैसे इसको ऐड किया जाता है, तो विथ कंस्टेंट हम लोग जनरली इसको इस तरीके से ऐड करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।